आपका शरीर जितना महत्वपूर्ण है उससे कई ज्यादा आपके शरीर के अंग महत्वपूर्ण है। अगर आपके शरीर का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए या फिर सही तरीके से काम ना करे तो आप किसी भी काम को करोगे तो वह पूरी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। वो कहा जाता है ना, हेल्थ इज द वेल्थ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये आपका ही तो शरीर है। आपको जानना चाहिए शरीर के बारे में छोटी मोटी बीमारी। जिन लोगों को यह बीमारी के बारे में नहीं पता है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। नंबर 1, मधुमेह यानी डायबिटीज। यह बीमारी मानव शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन कम है तो यह बीमारी मधुमेह बीमारी आपको है। इस बीमारी में ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और ये ग्लूकोज पेशाब के साथ बाहर आता है। नंबर 2, फाइलेरिया। मैं श्योर हूँ कि ये बीमारी के बारे में आप लोगों को पता होगा। इस बीमारी में मानव शरीर का हाथ या फिर पैर कीटाणु यानी बैक्टीरिया अधिक मात्रा में जम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानव शरीर के पैर में यह कीटाणु जम जाए तो उनके पैर हाथी की तरह फूल जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हाथों में जम जाए तो हाथ भी हाथी की तरह फूल जाते हैं। नंबर 3, अस्थमा। ये फेफड़े की बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार खांसी आती है। नंबर 4, पायरिया। इस बीमारी में मानव शरीर के दांतों और मसूड़ों में सड़न हो जाता है, जिससे कि दांतों से खून और बदबू आनी शुरू हो जाती है। नंबर 5, कॉलेरा। इसका एक और दूसरा भी नाम है हैजा। इस बीमारी में बार बार दस्त होता है। इस बीमारी में बिना रुके बार बार दस्त लगने लगता है। यह बीमारी गंदगी के कारण फैलता है। नंबर 6, गठिया। इस बीमारी में मानव शरीर के अलग अलग भागों में के जोड़ों में दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैर के जोड़े में दर्द होना, हाथों के जोड़ों में दर्द होना एक्सेट्रा। नंबर 7, इन्फ्लुएंजा। यह श्वास नली की बीमारी है। इस बीमारी में दर्द और तेज बुखार आती है। नंबर 8, पेचिस। ये बीमारी नॉर्मली हम लोगों की जिंदगी में अक्सर होते रहता है। इस बीमारी में खाना सही तरीके से नहीं पचता है और बार बार दस्त होता है। नंबर 9, मलेरिया। यह बीमारी एक समय बहुत फैला था। यह बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नंबर 10, पोलियो। यह बीमारी बच्चों में अधिक मात्रा में फैलता है, इसलिए समय समय पर बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाना चाहिए। नंबर 11, टिटनेस। यह बैक्टीरिया से फैलता है। यह बीमारी जंग लगे लोहे से कटने के कारण होता है। किसी भी प्रकार से अगर लोहे से कट जाता है तो टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लेना चाहिए। अगर आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो यह बीमारी पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देता है। जिस जगह कटा था उस जगह को ज़्यादा डिफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में जंग लगे लोहे से कट जाए तो अगर आप इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो 6 महीने के अंदर आपका हाथ को डिफेक्ट कर देगा और तभी आपको हाथ को भी कटाना पड़ सकता है। नंबर 12, पीलिया। यह बीमारी यकृत बिगड़ जाने के कारण होता है। इससे शरीर पीला पड़ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ एक कमेंट भी कर देना।